समाज सेवी एवं गिरी गोवर्धन सेवा समिति के संस्थापक दान बिहारी मुखिया जी की पुण्य स्मृति में इस शिविर का आयोजन किया जाता है। इसी के चलते आज 15वां रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सर्वप्रथम दान बिहारी मुखिया जी की फोटो पर माला एवं दीप प्रज्वलित कर इस शिविर का आयोजन किया गया। इसकी जानकारी देते हुए समाज सेवी एवं दान बिहारी मुखिया जी के सुपुत्र केशव मुखिया ने मीडिया को बताया कि इस कैंप में सभी वर्ग के लोगों ने रक्तदान कर अपना अपना योगदान दिया है, मगर युवाओं में रक्तदान करने का जोश देखने को मिल रहा है। आज जैसे कि यहाँ पे रक्तदान किया जा रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे और कौन सा रक्तदान है? हमारे श्री गिरी गोवर्धन सेवा समिति के संस्थापक सदस्य रहे स्वर्गीय श्री दान बिहारी मुखिया जी की स्मृति में ये रक्त शिविर लगाया जा रहा है, जिसमें कि हमारे मथुरा की संस्था है रक्तदाता फाउंडेशन और हमारे गोवर्धन की श्री गिरी गोवर्धन सेवा समिति रक्तवीर गोवर्धन, इन लोगों के प्रयास से ही ये आयोजन सफल हो रहा है। और रक्तवीरों का जोश तो एक बार देखने को मिल ही रहा है। लगभग अभी तक हम 121 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं और बाकी आगे 2 घंटे और बचे हैं। शायद देखिए रक्तवीरों का जोश हमें कहाँ तक पहुँचाता है। क्या ये रक्त जो लिया जाता है कि आगामी भविष्य में इनको जरूरत पड़ेगी? जी हाँ, जी हाँ जी, ये इसमें कैटेगरीज हैं कि जो भी हम ब्लड डोनेशन करते हैं उसकी ये एक एक्सचेंज की प्रोसेस है कि जिसको भी अगर रिक्वायरमेंट होगी 6 मंथ में जिसको रिक्वायरमेंट पड़ेगी उसको हम कहीं से भी मैनेज करवाते हैं और कोशिश हम करते हैं उसी ब्लड बैंक से मैनेज करवाएं जिनको हमने ब्लड डोनेट किया है। आज रक्तदान किया जा रहा है, इसमें कितने लोगों ने सहभागिता निभाई है और कितने लोगों की आशंका? विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी ये 15वां स्वर्गीय श्री दान बिहारी मुखिया जी की स्मृति में ये रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ है और बड़ी हर्षोल्लास के साथ में युवा लोगों ने, महिलाओं ने, बच्चियों ने इसमें भाग लिया है। ये 63वां रक्तदान शिविर रक्तदाता फाउंडेशन की तरफ से और सद्भावना ब्लड बैंक की तरफ से ये आयोजित किया गया है। हमारी समिति इसको प्रतिवर्ष श्री दान बिहारी मुखिया जी की स्मृति में लगाती है और सभी लोगों से ये अपना निवेदन करती है कि यदि किसी को रक्त की आवश्यकता है तो हमारी गिरी गोवर्धन सेवा समिति के पास आकर के और अगर अपनी उस पूर्ति को कभी भी पूरा कर सकते हैं। किस वर्ग के लोग यहाँ पर रक्तदान करते हुए नजर आ रहे हैं? युवा वर्ग का ज़्यादा इसमें महत्वपूर्ण योगदान है। बिटियाओं का, युवा वर्ग की बेटियाँ और युवा वर्ग के लड़के और मीडिया, मतलब जो युवा हैं और कुछ 45 साल से 50 साल के बीच में, वो भी काफी इसमें भाग लिया है। R9 भारत के लिए दीपक शर्मा की रिपोर्ट गोवर्धन से।